press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे आसान ग्रेनाइट पॉलिश कोटे पे करने का तरीका। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा ज़रूर देखें और इसके अंदर कौन सा पाउडर इसके अंदर चढ़ाया गया है वो भी हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये किस तरह से ये मिरर पॉलिश की तरह ग्रेनाइट पॉलिश होती है बिना पॉलिश लगाए, तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। ये देखिए, बिल्कुल शीशे की तरह आप भी अपने साइड पे, अपने घर पे इसी प्रकार से बनवा सकते हैं कोटे को भी, बिल्कुल ग्रेनाइट ओनली दो बट्टी से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मार्बल पॉलिश में। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कोटा स्टोन पर मिरर पॉलिश किस तरह से की जाती है उसका बहुत ही आसान तरीका आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सिर्फ ओनली दो से तीन बट्टी के अंदर आप इसके अंदर ग्रेनाइट से भी ज़्यादा इसके अंदर शाइनिंग कोटा स्टोन पे किस तरह से डाल सकते हो, इस वीडियो में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा तक लगने पर आप इसे अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो कोटा स्टोन के अंदर जो बारीक स्क्रैच वगैरह जो होते हैं उसको किस तरह से उठाया जाता है, इस वीडियो में आप ज़रूर देखें। ये देखिए 200 नंबर डायमंड पेड से हम इसके कोटा स्टोन के जो बारीक स्क्रैच होते हैं उसको आप बिल्कुल दबा के उठा लें। वैसे तो दोस्तों, कोटा स्टोन जो पत्थर होता है उसके ऊपर कम से कम दो से तीन बट्टी चलाकर ही फैक्ट्री वाले हमें देते हैं। वैसे फिर भी कोई कोटा स्टोन ऐसा होता है जिसके अंदर रफ़ घिसाई की होती है तो उसके अंदर बहुत से स्क्रैच भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा स्क्रैच वाला अगर कोटा स्टोन हो तो आप उसके अंदर 100 नंबर पेड़ से आप उसके स्क्रैच उठा सकते हैं। और हमारे जो ये कोटा स्टोन है उसके अंदर हल्के स्क्रैच थे तो हमने इसके ऊपर 200 नंबर डायमंड पेड़ से इसके स्क्रैच उठा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखें और आप बिल्कुल आसान तरीके से इस पर डायमंड पॉलिश जैसे ग्रेनाइट पॉलिश आप इसके ऊपर सिर्फ ओनली दो ही बट्टी से आप कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 200 नंबर पेड़ से इसको दबा के इसके अंदर एक भी स्क्रैच वगैरह नहीं रहना चाहिए, इतना दबा के आप इसकी घिसाई करें। तो दोस्तों, अगर ये फ्लोरिंग के अंदर लगा हो, इसके जॉइंट अगर ज़्यादा हो तो आपको हो सकता है बट्टी ज़्यादा काटनी पड़े ताकि जॉइंट मिलाने में हमें डायमंड वाले वो जो बिट आते हैं वो चलाने पड़ सकते हैं, 1 MB से कटाई करनी पड़ सकती है। ये प्लेन पत्थर था तो हमने इसको सीधा 200 नंबर से इसके स्क्रैच उठाया। ये देखिए दोस्तों, इसके 200 नंबर से बहुत ही आसानी से इसके स्क्रैच बिल्कुल उठ चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इसके ऊपर सिर्फ ओनली बफिंग पैड जो आता है, ये हीटिंग पैड भी इसको बोलते हैं और इसको बफिंग पैड भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों, ये बफिंग पैड हम अब ड्रिल के अंदर लगा रहे हैं। ये देखिए, सीधा 200 नंबर डायमंड पेड़ के बाद में हम इसके ऊपर बफिंग पेड़ से इसकी हम पॉलिशिंग करेंगे। और दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये एक ऐसा पॉलिश पाउडर है जो ओनली एक या दो बट्टी के अंदर इसके अंदर हम मिरर पॉलिश जैसी हम शाइनिंग ला सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल आप देखोगे कि इसको ग्रेनाइट से भी ज़्यादा इसके अंदर चमक आ जाएगी ओनली दो बट्टी के अंदर। ये देखिए दोस्तों, इसको पाउडर को डालने के बाद में आपको इतना ही पानी इसके ऊपर डालना है जितना इस पत्थर पे फैल सके और ये इसके ऊपर हीटिंग से इसके ऊपर ग्लेज एक चढ़ सके। तो दोस्तों, उसके अंदर हमें पहले बफिंग पैड ही यूज़ लेना है ताकि इसकी हीटिंग से इस पत्थर पे एक शाइनिंग आ सके। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हल्की शाइनिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में जितना आपको इसके ऊपर शाइनिंग चढ़ानी हो उस उतना ही इसके ऊपर ये केमिकल आप यूज कर सकते हो। और दोस्तों, इस केमिकल के बारे में, इस जो ये डायमंड पाउडर है उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको ये बता देता हूँ आज इस वीडियो के अंदर, जो ये डायमंड पाउडर है वो दोस्तों दुनिया का सबसे कम बजट का डायमंड पाउडर है। ये तकरीबन 200 से 250 रुपये किलो तक में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और आप भी इस पाउडर से, आप 1 किलो पाउडर से तकरीबन 1000 से 1500 स्क्वायर फुट तक आप फ्लोरिंग तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से।
तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में इसको दिखा बताऊंगा कि ये पाउडर कौन सा है और कहाँ पे मिलेगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। तकरीबन 10,000 लाइक इस वीडियो पर आने चाहिए जब मैं आपको इस पाउडर के बारे में, ये पाउडर किस रेट का है और कहाँ पे मिलता है, वो मैं आपको पूरा इसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और देखिए दोस्तों, ये जब डायमंड वफिंग पेड करने के बाद में आपको एक ओनली 5,000 नंबर पेड को इसके ऊपर चलाना है, वो भी हल्के पानी के अंदर, बिल्कुल हल्के पानी के अंदर 5,000 नंबर पेड इसके ऊपर चलाए और इसकी जो शाइनिंग है वो 4 गुना इसकी बढ़ जाएगी। और वो भी हमें इसको पाउडर के साथ में ही चलाना है, हल्का पाउडर लगा के। जैसे अभी इसके ऊपर पाउडर की मात्रा चढ़ी हुई थी तो हमने इसके ऊपर सीधा ही ये 5,000 नंबर पेड इसके ऊपर चला रहे हैं। जैसे इसके ऊपर वो पाउडर बिल्कुल चढ़ जाएगा तो उसके बाद में हम इसके ऊपर दूसरा पाउडर फिर डालेंगे थोड़ा सा, और जितना इसके ऊपर आप शाइनिंग जितनी चाहिए उतना इसके ऊपर वो पाउडर डालते रहे, और शाइनिंग जितनी चाहो उतनी शाइनिंग आप मन चाहिए इसके पत्थर के ऊपर आप ला सकते हो। ये देखिए दोस्तों, हम इसके ऊपर फिर थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे और फिर इसको बफिंग करेंगे, वो भी 5,000 नंबर पेड़ से हल्का सा पानी डाल के। सिर्फ इसके ऊपर पसरना चाहिए, मतलब उड़ना नहीं चाहिए इधर से उधर, ये सिर्फ गीला हो सके इतना ही अपन को इसके अंदर पानी डालना है। और उसको जब तक ये वापस सूखे नहीं जब तक हमें इसके ऊपर दबा के बट्टी चलानी है, जो ये 5,000 नंबर पेड है, और इसके अंदर शाइनिंग जितनी चाहो मन चाहिए शाइनिंग इसके ऊपर ला सकते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, जब ये हम पाउडर से इसके ऊपर जब हम कोटे को पॉलिश करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर हमें ना तो वैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें इसके ऊपर तेल लगाने की, ना ही इसके ऊपर मोम लगाने की, ये ओनली ऐसे ही इसकी चमक बरकरार रहती है दोस्तों। अब और अगर शाइनिंग चाहिए तो जितना चाहो आप इसके ऊपर पाउडर लगाते रहो और इसकी शाइनिंग एक परत की तरह इसके ऊपर चढ़ती रहेगी और बहुत ही शानदार इसकी शाइनिंग आएगी। बस शर्त यह है कि इसके ऊपर स्क्रैच बिल्कुल ना रहे, स्क्रैच जो भी है कोटे के या मार्बल के जो भी हो तो वो बिल्कुल आप पहले साफ़ दबा के उठा ले स्क्रैच, फिर उसके बाद में जो भी है वो इसका पाउडर इस पर काम करेगा। तो दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया उसके अंदर हमने मार्बल के ऊपर भी यही पाउडर यूज़ लेके और उसके ऊपर पॉलिश करके हमने आपको दिखाया है, वो भी वीडियो अगर दोस्तों आपने नहीं देखा हो तो वो भी हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो और उसको भी आप लाइक और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में। तो ये केमिकल मार्बल कोटा स्टोन धौलपुर सब में काम आता है और उसके अंदर भी ये शाइनिंग बहुत शानदार शाइनिंग ला देता है। ये देखिए, ये तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के अंदर इस 1 फुट के टुकड़े को हमने कोटा स्टोन को तैयार किया है। हाफ़ इसलिए किया है ताकि आपको पता रहे कि ये सागी ही टुकड़ा है जो हम आपके सामने अभी पॉलिश कर रहे थे। ये बिल्कुल अभी सूखा है, इसके ऊपर ना तो पॉलिश है ना कोई तेल है, ये देखिए बिल्कुल सूखा है और इसकी शाइनिंग बिल्कुल शीशे की तरह हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को, इस तरह के इस पाउडर को, अगर आपको जानकारी लेनी है ये कौन सा पाउडर है और कहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों में, इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों साथ में बेल आइकन घंटी वाले बटन को भी आप दबा लें ताकि हमारी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपसे ना छूट सके और आप हमारे वीडियो से एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा लाभ उठा सकें। और दोस्तों आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए मार्बल फ्लोरिंग के, मार्बल फिटिंग के, तो आप हमें कमेंट के जरिए से ज़रूर पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे हम उसी के आधार पर हम वीडियो लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रिए से ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अनपसंद आया तो अनलाइक भी ज़रूर करें दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ओनली लाइक करें, अगर आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन घंटी वाले बटन को भी दबा ले ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, इसी प्रकार आप हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल पर बने रहें और आप हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा लाभ उठा सकें।
और दोस्तों आप हमें दुआओं में याद रखें।